नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग एन एलेवन के जो नए फीचर आए हैं, नए अपडेट आए हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जाएंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन में और हम पहले ये देखेंगे कि इनमें जो अभी क्या क्या फीचर है और जब अपडेट कर लेंगे अपडेट के बाद क्या क्या फीचर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा फ़ोन हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद दोस्तों, आप इसमें क्या क्या नए फीचर आया है हम उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो बिल्कुल पहले जैसे था। उसके बाद दोस्तों, हम स्क्रीन को नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम वैसा ही है जैसा था, इसमें कुछ भी नहीं बदला। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से अपने मेनू में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पर्सनल और डिस्कवर। तो दोस्तों, मैं डिस्कवर में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, डिस्कवर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी ऐप को आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये यहीं पर सेव रहेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों काफ़ी सारा दोस्तों ऐप है, जैसे कि दोस्तों जो भी ऐप है दोस्तों सारा काम का ऐप है, जैसे कि दोस्तों रेलवे का, रेड बस, ट्रेन का है, एंड्रॉयड वीडियो एडिक्टेड का है, सारा दोस्तों इसमें मतलब ऐप है, पिकार है। तो दोस्तों, इसमें तो आपको हो गया, आप पर्सनल में आएंगे तो दोस्तों ये आपके जो मेन्यू में वो आएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जाते हैं अपने सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों, हमें फिर वही अबाउट होम में जाना है। वहाँ पे आने के बाद दोस्तों, अपने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम वैसा ही है जैसे था, एंड्रॉयड वर्जन हुई है 10 पॉइंट है। और दोस्तों, आपको दोस्तों और भी मिलता है एंड्रॉयड स्टार है, तो सब चीज़ दोस्तों मतलब जो जैसा था वो सही है, सेम है। तो इसमें सिर्फ एक मेरे हिसाब से तो एक सिर्फ वही बदला जो मेनू में जो है डिस्कवर का ऑप्शन, एक मुझे ये दिख रहा है। उसके अलावा तो फिलहाल तो कुछ है नहीं। अगर दोस्तों कुछ नया होंगे इसको तो मैं और भी उसका भी वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये फ़ोन को पहले चला रहा था और अभी जो चला रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है। अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये फ़ोन चल रही है और फास्ट चल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपका अगर ये सैमसंग N11 हो या फिर कोई सा भी आपका फ़ोन अगर ये थोड़ा अगर स्लो चल रहा है, तो आप इसकी स्पीड को आराम से बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, अबाउट फोन में जाना है। जाने के बाद दोस्तों, आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास आएंगे वेरी नंबर, तो आपको इसे 3 क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको फिर अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में दोस्तों जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि डेवलपर ऑप्शन आएगा, या तो ये आपको एडिशनल सेटिंग में मिलेंगे या फिर यहीं पर मिलेंगे अबाउट फोन के नीचे। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल को नीचे करना है। नीचे करने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रीन का ऑप्शन आएगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विंडो एमिनेशन एक्शन। तो दोस्तों, इसको आपको ये करना है, इसको दोस्तों आपको क्या करना है, 0.5 में करना है। 0.5 में करने से दोस्तों आपकी स्क्रीन जो स्पीड है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो मेरी स्पीड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये आपका एक सबसे अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।